क्लासरूम सेवन है ज्योग्राफी का हर चैप्टर देखते हैं हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस चैप्टर में हम पृथ्वी की जो बदलती आकृतियाँ हैं, जो प्रक्रियाएं, जो आंतरिक और बाह्य जो प्रक्रियाएं होती है और जीन की वजह से जो है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार से जो अंतर आ रहे हैं, जो हम अलग अलग प्रक्रियाएं देख रहे हैं, उन चीज़ों को हमने जो है इस चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वी की बदलती, हमारी बदलती पृथ्वी की हमारी पृथ्वी जो है वो किस प्रकार से बदलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है दो तरीके से बदलती है, एक आंतरिक रूप से और एक बाह्य रूप से। वो आंतरिक रूप से कैसे होगी, जो पृथ्वी के अंदर जो भी प्रक्रिया हो रही है उन प्रक्रियाओं के आधार पर जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम आंतरिक प्रक्रिया बोलते हैं, और बाह्य प्रक्रिया जो जो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा, पृथ्वी की जो सतह है उस सतह पर जो है जिन कारणों से कोई भी परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी पर वो जो है वो बाह्य प्रक्रियाएं कहलाती है, फिर बाह्य फोर्स कह सकते हैं, यहाँ पे बाह्य बल कह सकते हैं। समझ पाए, जो आंतरिक बल जो होता है या फिर जो आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके आधार पर हम कहते हैं कि जो आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं वो भी दो तरीके से होती है। एक होती है जो कि मतलब काफ़ी समय लगता है उसको वो प्रक्रिया पूरी होने में, और एक होती है अचानक से हो जाती है। जो अचानक से हो जाती है जैसे कि भूकंप आना या फिर ज्वालामुखी या फिर भूस्खलन वगैरह, जैसे कि आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं कि भूस्खलन होता है, पृथ्वी का जो भूमि का जो ऊपरी सतह होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से जो है वो गिर जाता है, उसको हम भूस्खलन कहते हैं। समझ पाए, और दूसरा है कि ज्वालामुखी, कि ज्वालामुखी किस प्रकार से होता है, जैसे ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है और पृथ्वी के अंदर जो आप लोगों ने जो वो पिछली क्लास में भी समझने की कोशिश की है कि पृथ्वी को हम जो है ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। समझ पाए, तीन भागों में डिवाइड किया है, ये क्या है, भू पर्पटी और ये मेंटल और ये जो है ये है करो। इस प्रकार से हमने पृथ्वी को तीन भागों में डिवाइड किया है। जो आपका करोड़ है ना, ये करोड़ जो है लिक्विड में, और यहाँ पर जो है बहुत तरल मात्रा में, बहुत ही हॉट, बहुत ही गर्म लिक्विड मात्रा में जो है लावा रहता है, और ये लावा जो है जैसे ही इस पृथ्वी के अंदर जो है मतलब कहीं भी जो कोई भी जो सोर्स मिल जाता है इस लावा को बाहर निकलने का, और ये जो लावा है वो मैग्मा के रूप में जो है वो पृथ्वी से बाहर आ जाता है, जिसको हम ज्वालामुखी का फटना बोलते हैं। समझ पा रहे, तो इस प्रकार से जो है ज्वालामुखी फटती है, और जो ज्वालामुखी फटती है ना, और जो ज्वालामुखी फटती है, जैसे यहाँ पर ज्वालामुखी फटी है, यहाँ पर क्या होगा कि अंदर से जो मैग्मा जो आया है, जो लावा के रूप में मैग्मा आया है, वो यहाँ पर जो है वो सारी लावा जलेगी, और जो इसका जो लावा है, जो मैग्मा है, वो इधर ऐसे फैलता चला जाएगा, और वो जो है पृथ्वी जो बाहरी आवरण होता है उस बाहरी आवरण की वजह से जो है वो एक समय के अनुसार वो ठंडा होता चला जाता है। समझ पा रहे, और वो ठंडा होने के बाद जो है कठोर अवस्था में आ जाएगा, जिसको हम पर्वत कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ज्वालामुखी होता है, और फिर बात हम करते हैं आगे ज्वालामुखी के बाद हम बात करते हैं कि भूकंप, कि भूकंप जो है क्योंकि जो पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उसमें हम ज्वालामुखी और भूकंप को समझने इसलिए समझते हैं क्योंकि ये दोनों जो है पृथ्वी की गतिविधियों में या फिर पृथ्वी की जो गतिविधियाँ हैं, पृथ्वी में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको उसके परिवर्तन होने में जो है सबसे बड़ी भूमिका ज्वालामुखी और भूकंप की होती है। समझ पा रहे हैं, जो यहाँ पे हम भूकंप की बात करते हैं, भूकंप जो है जो हमारी पृथ्वी होती है ये अलग अलग चट्टानों पे, अलग अलग प्लेटों पे जो है वो टिकी हुई होती है, और वो प्लेटें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती है, और जिनकी वजह से जो है वो भूकंप पैदा होता है, और ये भूकंप जो है उन चट्टानों के खिसकने की वजह से ही पैदा होता है, और जहाँ से ये भूकंप पैदा होता है उसको हम उद्गम केंद्र बोलते हैं, और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो हम उसको फोकस सेंटर बोलेंगे। समझ पा रहे हैं, और मान लो कि ये पृथ्वी का क्षेत्र है और यहाँ से भूकंप शुरू हुआ है, तो ये भूकंप जो है भूकंप का जो है उद्गम केंद्र रहेगा, और यहाँ से जो है वो अलग अलग दिशाओं में
भूकंप जाएगा और पृथ्वी की सतह पर जिस क्षेत्र पे आता है ये आंतरिक रूप है पृथ्वी का, और पृथ्वी की सतह पर जिस क्षेत्र पर आता है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, और वहां से जो है वो भूकंप अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, समझ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो वो जो भूकंप होता है वो अलग अलग अवस्था में होता है, कुछ भूकंप जो होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति के होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉर्मल गति के होते हैं। आप लोगों को याद हो कि 2001 में गुजरात में इसी प्रकार का एक तीव्र गति का भूकंप आया था, जिसकी वजह से जो लोग गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत प्रभावित हुआ था, क्षतिग्रस्त हुआ था, और वहाँ का जो है जो भुज का बचाव का जो एरिया है वो बहुत ही प्रभावित हुआ था इससे, उस भूकंप की वजह से जो गुजरात की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई थी, ध्वस्त हो गई थी, समझ पा रहे। तो यहाँ पे हम भूकंप से कैसे बचा जाए और बचाव के तरीकों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि भूकंप से हमें जो है वो कैसे बचा जाना चाहिए। भूकंप से बचने के लिए हमें जो है सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। वो सुरक्षित स्थान कैसे रहेंगे, अगर आप किसी रूम में हैं तो आप उस रूम के कोने में रहेंगे, क्योंकि क्या होता है मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक रूम है तो आपको जो है इस रूम के कॉर्नर में यहाँ खड़े रहना है, समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो छत जो होती है ना वो हमेशा सेंटर में ही गिरने की संभावना होती है, तो इसलिए आप जो अगर कॉर्नर में खड़े रहेंगे तो आप बच जाएंगे। और फिर दूसरी बात आती है, अगर रूम में कोई भी मेज टेबल वगैरह जो होती है अगर उसके नीचे भी आप चले जाते हैं, उसके नीचे आप छुप जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर भी बचाव की काफ़ी संभावना रहती है, समझ पा रहे हैं। और फिर बात आती है कि किन चीज़ों से हम दूर रहे, जहाँ पर जो मतलब आग जली या फिर मतलब जैसे किचन वगैरह हो गया, किचन से भी दूर रहें, या फिर कोई ऐसी वस्तु जहाँ पर जो है हमें घर के अंदर जो है चिमनी वगैरह होती है वहाँ से भी हम दूर रहें। हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमें सुरक्षित मैदान जो मैदानी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर चले जाना चाहिए, और यही जो है सबसे बड़ा सबसे अच्छा तरीका भूकंप से बचाव का रहता है। और फिर एक दूसरी बात और है, बचाव के लिए हमें जो है अपने मित्रों को अपने दोस्तों को और अपने पारिवारिक जो रिश्तेदार हैं उनको पहले से ही भूकंप से जो है जागरूक कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से हमें जो भूकंप से बचा जाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रमुख जो स्थलाकृति होती है, ये हमने दोनों स्थलाकृति की बात की थी वो आंतरिक रूप से, अब बात करते हैं बाह्य रूप में जो पृथ्वी की जो बाह्य गतिविधियाँ होती हैं वो उनमें जो है वो प्रमुख कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो उनमें जो है अपक्षय और अपरदन ये दो प्रक्रियाएँ होती है वो सबसे प्रमुख होती हैं पृथ्वी में, पृथ्वी की जो गति है या फिर पृथ्वी में जो बदलाव आ रहे हैं उनमें अक्षय और अपरदन का बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हम यहाँ से अपक्षय को समझते हैं, अपक्षय क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती है फिर बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनका टूटना एक दूसरे के साथ घर्षण करके या फिर वैसे ही उनका टूटना ही अपक्षय कहलाता है, और वो जो टूटे हुए बड़े टूटे हुए टुकड़े जो छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं उन टुकड़ों का जल या वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना या फिर मिट्टी के जो कण हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक कर चले जाना ही अपरदन कहलाता है, जिसको हम मृदा अपरदन भी कहते हैं। और ये जो अपक्षय या अपरदन है ये विभिन्न प्रकार से होता है, पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं नदियों के आधार पर, मतलब पानी के आधार पर यह अपक्षय किस प्रकार से होता है। अगर हम पानी की बात करते हैं, नदियों की बात करते हैं तो हम नदियों को जो है यहाँ पर तीन अवस्थाओं में डिवाइड कर देते हैं। तीन अवस्थाएं कौन सी रहेंगी, यंग मैच्योर और ओल्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि नदी को जो है हम एक मानव की जो स्थिति होती है मानव जैसे बचपन में और फिर मैच्योर अवस्था में और फिर जो प्रौढ़ होती है बुजुर्ग अवस्था में है उसी आधार पर जो है हम यहाँ पर नदी को समझने की कोशिश करते हैं। नदी जो है जिस प्रकार से यंग होती है मतलब जहाँ से नदी का जन्म होता है उसको हम यंग अवस्था बोलते हैं, और जहाँ से नदी का जन्म होता है वहाँ से आप देखते हैं कि नदी जो है अलग अलग हवाओं से निकलती है अलग अलग धाराओं से निकलती है जो कि
बड़ी तेजी के साथ चलती है, बड़ी स्पीड के साथ चलती है और अपने साथ ढलान से नीचे की तरफ आती है, ऊंचाई से हाइट से जो ढलान की तरफ आती है और जिसके कारण जो है वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी बाहर ले आती है, समझ पा रहे। और फिर मैच्योर अवस्था है, और मैच्योर के बाद जो है हम ओल्ड अवस्था को देखते हैं। ओल्ड अवस्था में देखते हैं कि जो नदी होती है, जैसे बुजुर्ग जो होते हैं, जैसे इंसान जो होते हैं, आदमी है, वो बुजुर्ग अवस्था में स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार से नदी भी अपने मुहाने के पास जहाँ पर वो समुद्र में या सागर में गिरती है या फिर खाई में गिरती है, वहाँ आकर पुरुष की तरह ही, मतलब मनुष्य जाति की तरह ही वो स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है और अपने समुद्र या खाई में गिर जाती है, समझ पा रहे। तो इस आधार पर हम नदी या पानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नदी भी जो है अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को या फिर मिट्टी के कणों को जो है वो बहा कर लाती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आप अपने आसपास की नहरों में देखेंगे कि आपको जो है वो मिट्टी के कण या फिर जिसको हम रेत बोलते हैं, रेत के कण बहुत अधिक संख्या में मिलेंगे। जब वो नहरें खाली होती है तब आप देखेंगे कि वो वहाँ पर आपको जो है वो मिट्टी के कण या फिर रेत मिलते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि नदियाँ, नदियों का जल जो है वो अपने बहाव के साथ जो है वो पत्थरों के कण टुकड़े या फिर मिट्टी लेके आते हैं, जिसको हम भूमि अवर्तन कहते हैं, समझ पा रहे। और फिर दूसरी बात आती है, हमने यहाँ पे नदी को देखा है, फिर दूसरी बात आती है कि समुद्र में जो तरंगे होती है, फिर समुद्र में जो है ये तो नदियों का जल था, अब हम देखते हैं समुद्रों का जल, समुद्रों में जो हो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। समुद्रों में आप लोग देखते हैं कि एक जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर जो है एक पर्वत है या फिर एक चट्टान है, कोई बड़ी चट्टान है, आप उस चट्टान में देखते हैं कि इस प्रकार से जो है एक होल हो जाता है, सुराख हो जाता है, और उस सुराख को हम जो है वो तटीय मेहराब कहते हैं, समझ रहे हैं। और अगर ये जो चट्टान है, ये चट्टान जो है पानी के तेज बहाव की वजह से जो है ये चट्टान एक दूसरे से अलग हो जाती है, ऐसे हो जाते हैं, तो इस चट्टान को जो है हम स्टे कहते हैं, इस चट्टान को हम स्टे कहेंगे, समझ पा रहे। इस चट्टान को हम जो है वो समझ रहे बच्चों। इस प्रकार से जो है समुद्र में भी विभिन्न प्रकार से जल, समुद्री जल के कारण भी विभिन्न प्रकार से जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पृथ्वी की जो बाह्य आकृति एवं जो बाह्य अवस्था है उस पे ही परिवर्तन होते हैं, समुद्रों में भी इस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, समझ रहे। फिर हम देखते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र होता है जहाँ पे हिमनद होती है, जो पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जो है बर्फ से ढका हुआ होता है, वहां पर भी जो है विभिन्न प्रकार से आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलेगा, जो आप जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं आप देखेंगे कि ये जो घाटियां बनी हुई हैं ये वी शेप में मिलेगी, समझ रहे। और जो हिम है, जो हिमनद होता है या फिर जो पर्वत जो है बर्फ से ढके हुए होते हैं वहां पे वी शेप की घाटियां नहीं मिलेगी, वहां पे आपको जो है यू शेप में घाटियां मिलेगी। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, समझ रहे जी। फिर हम अगर बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों की, मरुस्थलीय क्षेत्रों पे क्या होता है, जो मिट्टी के कण होते हैं वो तेज हवा के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जो हल्के कण, मिट्टी के जो हल्के कण होते हैं वो बहुत अधिक दूरी तक वायु के साथ, हवा के साथ जो है बहते चले जाते हैं, और एक स्थान पर जाकर जहाँ पर वायु का प्रभाव कम हो जाता है या फिर गति तेज कम हो जाती है, वे कण जो है वो एक स्थान पर आके रुक जाते हैं, जो एक जो है बालू टीला बनाते हैं, जिसको हम बालू टीला बोलते हैं, मतलब मिट्टी का जो है एक टीला बनाते हैं इस प्रकार से, तो हम उसको बालू का टीला कहते हैं, समझ पा रहे। और इसी प्रकार का जो एक विशाल क्षेत्र है जो कि चाइना में पाया जाता है, जिसको हम लोएस कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो है हम इस प्रकार से समझते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है, अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एस जे सी लक्टू को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आप लोगों को जो भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू।